प्रसाद में उपस्थित हमारे गुरुजन सरी विद्वजन मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं क्या बोलूं, अभी आपने जो विद्वजन वाला वासन सुना उससे मिथिला की दार्शनिक परंपरा का एक बहुत ही सुंदर और बहुत विस्तृत ऐतिहासिक सर्वेक्षण आप लोगों के सामने रखा गया। यद्यपि समय ज़्यादा लग रहा था, लेकिन हम लोग सभी एक इसको एक अवसर समझकर अपना ज्ञानवर्धन कर रहे थे, तो इसीलिए अब मैं उधर अपनी बातों को संक्षेप में रखते हुए मेरा जो विषय है आ रही मिथिला की परंपरा पर मैं एक अलग दृष्टि से सोचने के लिए हूँ, क्योंकि आप हम जैसे सर ने बताया और हम सभी जानते हैं कि प्रारंभिक काल से ही मिथिला की जो परंपरा है, मिथिला की जो भूमि है, वह दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही उर्वराशील रही है, और जैसा कि सर ने बताया कि वह प्रवाहशील भी रही है, यानी कि उसमें एक कंटिन्यूटी बनी थी। तो उस प्रवाहशील इसमें जहाँ से शुरू होता है उपनिषद काल में इसका राजा जनक का जो मिलता है विवरण, उससे यह लगता है कि प्लेटो ने जो फिलोसोफर किंग का सपना देखा था वह तो उन्होंने बाद में देखा था, लेकिन हमारे मिथिला की भूमि में राजा जनक के समय वह फिलोसोफर किंग की उनकी धारणा कहीं फलीभूत हो रही थी। उन्होंने जनक ने अपनी दुहिता के लिए सीता स्वयंवर रचाया था, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यह भी जानने योग्य बात है कि जनक हमेशा विद्वानों की सभा, हमेशा मतलब अक्सर वार्षिक किया किसी तरह किसी एक रूप में विद्वानों की सभा बुलाया करते थे, और वैसी सभा जिसमें कि तत्व और नीति के बारे में बहुत विस्तृत और गंभीर विवेचन होते थे, और उन विवेचनों में जो आचार्य सम्मिलित होते थे उनको किसी न किसी रूप में वो पुरस्कृत भी करते थे। इस तरह से ज्ञानियों के संसर्ग, तत्व के ज्ञान और सबसे ऊपर ज्ञान के उनके प्रति उत्कट प्रेम की वजह से उन्हें विदेह की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि वह शरीर धारण करते हुए भी देह से अनाशक्त हो गए थे और ज्ञान में रम गए थे। तो ये परंपरा यहाँ से शुरू होती है, और उसके बाद जो अनेकों नाम है, मैंने दो चार नामों की चर्चा करूंगी, मंडन मिश्र, भागवत सचिन मिश्र, और मुझे नहीं लगता कि अवसर के बाद किसी नाम की चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर ने तो बहुत ही विस्तार से सारे नामों की चर्चा की है। मेरा जो यहाँ पर्सपेक्टिव है कि ऐसे में सहज यह प्रश्न मेरे मन में पहुँचता है कि इस परंपरा में जो मिथिला की जो यह गौरवशाली परंपरा है दार्शनिक, उनमें महिलाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि किसी भी समाज में महिलाओं का जो स्थान होता है वह उसका दर्पण होता है, यह वह पैमाना है जो कभी छूट नहीं होता। इसलिए मैं यह देखने की कोशिश करना चाहती हूं कि मिथिला की दार्शनिक परंपरा में महिलाओं का क्या स्थान है, मिथिला में या यूं कहें कि मैथिली में महिलाओं के लिए स्त्रीगण शब्द का प्रयोग होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि स्त्रीगण शब्द के लिए की व्यवस्था है ले, या स्त्रीगण शब्द के ई काज दे जाए, एक गण के रूप में एक अलग उनकी पहचान, एक अलग समूह के रूप में उनकी गणना की जाती है, उनको समझा जाता है। तो इस समूह ने क्या सिर्फ गृह कार्यों में ही अपना समय बिताया है, या मिथिला की गौरवशाली परंपरा में खासकर दार्शनिक परंपरा में कुछ योगदान दिया। दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि यहाँ इस समूह के प्रतिनिधि के रूप में कई स्त्रियों के नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसी स्त्रियों के नाम जिन्होंने ज्ञानार्जन के महत्व को भी समझा है और ज्ञान के सूक्ष्म विषयों पर चर्चा की है, यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र जैसा शुष्क और सूक्ष्म कहने जाने वाला विषय उसमें भी उन्होंने प्रमुखता से भाग लेकर अपने बौद्धिक कौशल का परिचय दिया है। इतिहास में दर्ज इन तीन नामों में मैत्रेयी, गार्गी और भारती मिश्र वो नाम है जिनकी गाथा सुनकर हमारी कई पीढ़ियों ने आगे बढ़ने की प्रेरणा पाई। यह सिर्फ सुखद संयोग नहीं है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
उद्घोषणा मंचों पे लिया जाने बार बार लिया जाने वाला गार्गी मैत्रेय भारती कृष्ण का यह नाम प्रत्यक्ष रूप से मिथिला से जुड़ा हुआ है। ये तीन नाम जो भारतीय परंपरा में स्त्री के स्थान को उकेरने के लिए एक स्तंभ का काम करते हैं वे मिथिला से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। आजकल संयोग के साथ प्रयोग कहने की परंपरा चली है, मैं कहूंगी कि ये प्रयोग भी नहीं है। लेकिन एक बात तो मन में आती है, इकबाल की पंक्ति सहज ही याद हो आती है कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। और फिर दर्शन परिषद का जब रोशन मैंने खोला तो उसमें सहज ही उसकी चिंतन धारा पर नजर पड़ी, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। तो स्वाभाविक रूप से यह पंक्ति मुझे मैत्रेय की ओर उन्मुख करती हुई लगी, इसीलिए मैं उन्हीं से शुरुआत करती हूँ और जनक के सब मैत्रेय से शुरुआत करूँ तो जनक के समकालीन महान ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुख से ये शब्द अपनी मैत्रेय पत्नी मैत्रेय की तात्विक जिज्ञासा को शांत करने के क्रम में ही निस्सृत हुए थे। और प्रसंग यूँ था कि उन्होंने एक बार अपनी दोनों पत्नियों के सामने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की या अपना संन्यास ग्रहण करने का कहे के निर्णय सुनाया और कहा कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ और तुम लोगों में अपनी संपत्ति को बांट देना चाहता हूँ। दो पत्नियाँ थी, भारद्वाज मुनि की पत्नी की पुत्री और इनकी प्रथम पत्नी कात्यायनी चुप रह गई, उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। लेकिन मैत्रेयी ने तत्क्षण प्रश्न पूछा कि क्या आपकी संपत्ति या दुनिया की सारी संपत्ति मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमरत्व को प्राप्त कर सकती। यह बहुत बड़ा सवाल था जिसके जवाब में मुनि को कहना पड़ा कि नहीं, भौतिक संपत्ति से तो अमरत्व की बात नहीं हो सकती, उसके रास्ते से अमरत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर वह तुरंत कहती है तो जिस संपत्ति से अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती मैं उसे लेकर क्या करूंगी। यह प्रश्न कालजयी है, मैत्रेयी के प्रश्न कालजयी है कम से कम मुझे तो लगते हैं। और इसीलिए तब ऋषि विस्तार से उनको आत्मा के स्वरूप और आत्मा के बारे में बताने को बाध्य होते हैं और वो कह उठते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासतव्य आत्मनो वा अरे दर्शने श्रवणे मत्या विज्ञाने सर्व विज्ञातम भवति। अर्थात आत्मा के मनन श्रवण और साक्षात दर्शन से आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। आत्मा के बारे में उन्होंने कुछ और बातें कही हैं जो दो चार लाइन में पढ़ना चाहूँगी कि आत्मा ही सभी विज्ञानों का आधार है, आत्मा अंतर और बाह्य के भेद से शून्य है, संपूर्ण प्रज्ञान धन है, वो अपने मूल रूप में अग्रह है, अबद्ध, असंग और अशील अर्थात अविनाशी है, यही अमरत्व का मार्ग है। और इसीलिए है मैत्री इसकी इस दर्शनीय श्रवणीय और निधिध्यासनीय अर्थात आत्मा के ध्यान रखने की कोशिश, यही चराचर जगत का केंद्र बिंदु। मतलब उन्होंने ये बताया कि हम मूल रूप में आत्मा है और आत्मबल को आत्मा के स्वरूप को आत्म साक्षात करके ही अमृत के रास्ते को पाया जा सकता है। कहते हैं कि इस प्रसंग के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैत्रेयी ने भी अपने पति के साथ संन्यास ग्रहण कर लिया था। इस प्रसंग में दो बातें हैं, एक यह भी देखने लायक है कि एक तरफ उनकी पत्नी है जो कात्यायनी, वह भौतिकवादी संस्कृति का प्रतीक तो नहीं कही जा सकती लेकिन वह हमारे आप की तरह है जो प्रश्न नहीं करती, जो भी उनके साथ निर्णय उनको सुना दिया जाता है पति के निर्णय को चुपचाप सिरोधार्य कर लेती हैं और उन्हें लगता है कि यही सही है, यही होता है, इसलिए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मैत्रेयी भी है तो भारत की संस्कृति में यदि कात्यायनी जैसी सहधर्मिणी चुपचाप आज्ञाकारिणी सहधर्मिणियाँ रही हैं तो मैत्रेयी जैसी तीक्ष्ण बुद्धि वाली मैत्रेयी भी रही है जिसने भौतिक संपत्ति को ठुकरा कर आत्मा के अमृत का मोक्ष का मार्ग जीवन में चुना।
इस कड़ी में दूसरा नाम बाजकर्मी गार्गी का है। यद्यपि दार्शनिकों में मैं दूसरे नंबर पर उनकी चर्चा कर रही हूँ, लेकिन दूसरे स्थान वो एक तरह से देखा जाए तो गार्गी का स्थान सर्वोच्च है भारतीय महिला दार्शनिकों में। गार्गी गर्गकुल में उत्पन्न ऋषि बचकर्णु की पुत्री थी और इन्होंने अपना जीवन ज्ञानार्जन को समर्पित किया था। ये ब्रह्मवादिनी और ब्रह्मचारिणी गार्गी थी। इन्होंने इनका प्रकरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इनकी ख्याति थी अपने समय में एक दार्शनिक के रूप में और ज्ञानानुरागी जनक जब आध्यात्मिक चर्चा के लिए विद्वानों की सभा बुलाया करते थे तो ऐसी सभाओं में प्रखर अध्यात्म नेताओं के रूप में गार्गी भी उपस्थित हुआ करती थी। सभी लोगों तो ऐसे ही एक सभा में राजा ने यह घोषणा कर रखी थी कि जो कोई सर्व ज्ञानी होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा या सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होगा वह उसे 100,000 स्वर्ण जड़ित सिंगों वाली 1,000 गाय, गायों के सिंगों में सोने जड़वा दिए गए थे और वैसी स्वर्ण जड़ित सिंगों वाली 1,000 गाय उस सबसे बड़े ज्ञानी को दान में दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा ज्ञानी सभा में कौन बने तो सब लोग चुप थे, सबकी सलज खामोशी थी। उस सलज खामोशी के बीच याज्ञवल्क ने अपने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, इन गायों को अपने आश्रम की ओर ले चल। यह सुनना था कि जो और उपस्थित विद्वान थे उन्होंने प्रतिवाद किया और इस प्रसंग में जो उनसे शास्त्रार्थ की चुनौती थी और इस प्रसंग में बृहदारण्यक में कई प्रकार कई ऋषियों के साथ याज्ञवल्क के संवाद मिलते हैं, लेकिन उपनिषद में जो अनेक संवाद हैं उनमें गार्गी याज्ञवल्क का संवाद जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्धि उसको मिली। पूरे शिष्टाचार के साथ मैं उसी के कुछ प्रसंग दो चार पॉइंट पढ़ना चाहूंगी कि पूरे शिष्टाचार के साथ गार्गी के प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क यह स्वीकार करते हैं कि वे गायों के मोह में पड़ गए थे, क्योंकि गार्गी उनसे सीधे सीधे पूछती है कि आप कैसे कर, क्या आप अपने को सबसे अधिक विद्वान मानते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता, लेकिन देवी मैं गायों के मोह में पड़ गई थी। वह तुरंत तुरंत प्रश्न करती है कि किंतु यह तो इनाम पाने का या पारितोषिक पाने का उचित कारण नहीं है ऋषिवर। उनकी प्रतिवाद की क्षमता देखिए और तब उनसे सीधे सीधे शास्त्रार्थ करने लगती है और जल का मूल तत्व क्या वगैरह वगैरह ये पूछती है और जो भी वो उत्तर देते हैं बड़ी खूबसूरती से उनके उत्तर को प्रश्न में बदलते 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 ज्ञान ब्रह्मलोक आदित्यलोक होते होते ब्रह्मलोक तक बात पहुंच जाती है। फिर जैसे किंचित क्रोधित भी होते हैं तो वो थोड़ा विराम लेती है, थोड़ा उनके सम्मान में चुप हो जाती हैं, लेकिन फिर वह कुछ विराम के बाद दो प्रश्नों के साथ उपस्थित होती है और कहती है कि आपको मेरे इन दो तीक्ष्ण प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। और वो प्रश्न है उनके कि स्वर्ग से ऊपर और पृथ्वी से नीचे और दोनों के मध्य जो व्याप्त है वो किससे ओतप्रोत है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि ये देश से संबंधित प्रश्न है, स्पेस एंड टाइम से रिलेटेड प्रश्न पूछती है वो। और दूसरा कि जो हो चुका है और जो होगा और जो कुछ है वह किससे ओतप्रोत है, अर्थात उनको देश और काल के प्रश्न के आधार पर गार्गी ने पूछा उनसे कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है यह किससे ओतप्रोत है, अर्थात यह किसके अधीन है। और तब ऋषि याज्ञवल्क उसको उत्तर देते हैं कि एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। और इस उत्तर को सुनने के बाद गार्गी हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करती है और अपनी पराजय को भी स्वीकार करती है और तब वो गाय ले जाने के लिए या इनाम लेने के लिए हकदार साबित होते हैं। तो ये जो प्रसंग है यह प्रसंग एक तो इसमें गार्गी के किन किन गुणों के दर्शन होते हैं, गार्गी की वाक्पटुता, उसकी बौद्धिकता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी तार्किकता, उसकी निर्भीकता, उसकी अहंकार रहिता की भी, उसकी विनम्रता की भी और उसकी आक्रामकता की भी। तो ये इन सारे गुणों से बुना हुआ नारी का व्यक्तित्व मिथिला में औपनिषदिक प्रमाण के साथ मौजूद था वो उस समय।
तो ये इस बात का प्रमाण है कि मिथिला की दार्शनिक परंपरा कैसी थी। लेकिन एक अन्य नाम की भी चर्चा किए बिना इसे चर्चा अधूरी रह जाएगी, और वह है भारती की। भारती के बारे में सब लोग जानते हैं कि प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी थी, सहरसा के महिषी गांव की वो लोग निवासी हैं। आज भी महिषी में उन लोगों का घर है, और जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि ये घर था, उसका प्राचीन कुछ अवशेष रखा गया है यहाँ, शास्त्रार्थ वगैरह। तो कहा जाता है कि जब ब्रह्म सिद्धि और स्फोट सिद्धि के जैसे पुस्तकों के लेखक मंडन मिश्र की ख्याति दूर दूर तक थी, तो शंकराचार्य से उनका शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य से वो पराजित हुए। लेकिन साहस देखिए मिथिला की स्त्री का, कि उसने उनको कहा कि आपने तो पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो मेरे अर्धांग है, आपने तो सिर्फ मेरे अर्धांग को जीता है, अभी तो आपकी जीत अधूरी है, आपको अगर पूरी जीत चाहिए तो आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना। और इस बात को शंकराचार्य काट नहीं पाए, और उनका शास्त्रार्थ हुआ, कई दिनों तक चला शास्त्रार्थ। और तब फिर चतुराई से उन्होंने जब देखा कि शंकराचार्य के साथ अब बहुत लंबी हो गई, तो उन्होंने चतुराई से उनसे गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जिनका उत्तर देना बाल संन्यासी शंकराचार्य के लिए संभव नहीं हो पाया, और उन्हें अपनी पराजय भी स्वीकार करनी पड़ी। कहते हैं कि ये मान्यता है, कहते हैं कि शंकराचार्य को उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए परकाया प्रवेश तक करना पड़ा, और फिर बाद में दूसरी बार आकर के उन्होंने उनको पराजित किया। यहाँ एक बात कही जा सकती है कि इस प्रसंग के कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। बेशक जिस तरह से उपनिषद में गार्गी या मैत्रेयी वाला प्रसंग मिलता है, उस तरह से इस शास्त्रार्थ का कोई शास्त्रीय प्रसंग नहीं मिलता। लेकिन मेरी सोच है कि हर जगह प्रमाण शास्त्रीय हो या जरूरी नहीं है। अभी सर कुछ लौकिक प्रमाण की बात कर रहे थे, लौकिक दर्शन की बात कर रहे थे, तो कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है इस दर्शन के संबंध से। इसलिए कि शंकराचार्य का जो मीमांसक से अद्वैत वेदांत का सफर है वह निर्विवाद है। शंकराचार्य की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, जहाँ उनका घर है, जहाँ लोग हैं, और जो लोग की किंवदंतियाँ होती है, उसमें सिर्फ भारती के बारे में ही ये किंवदंती क्यों है, किसी अन्य स्त्री के बारे में क्यों नहीं, कुछ तो सच्चाई नहीं होगी। हाँ, ये होता है कि लोक कथाओं में उसमें कुछ बातें जुड़ जाती हैं, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि कई जगहों पे हमारा जो लौकिक प्रमाण होता है वह भी मायने रखता है, और उसको हम सीधे सीधे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी आधार पर मैंने इनका जिक्र किया है। तो इन तीनों स्त्रियों की चर्चा मैंने की, और इस प्रश्न को उठाया कि स्त्रियों की क्या स्थिति है, क्योंकि यह जैसा मैंने कहा था कि स्त्रियों की स्थिति के लिए यह बहुत, जब स्त्रियों की भारत मिथिला की परंपरा में ये स्त्रियों की, ये तीन स्त्रियां यहाँ अपना जो चित्र उपस्थित करती हैं वह भारत उसकी गौरवशाली परंपरा को के वाहक है। आज मुझे लगता है कि जब आज हम लोग ये दावा करते हैं कि हम महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, स्त्रियां बढ़ गई हैं, किंचित हम लोग आगे भी बढ़े भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि अगर उन गौरवशाली महिलाओं को, महिलाओं की उन गौरवशाली उस ओज उस तेज से मुकाबला करें, तो हम कहीं ना कहीं उनसे अभी भी पीछे हैं। और बाबा अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी द प्रोग्रेस ऑफ बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। तो उस क्राइटेरिया से भी अगर देखें तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है, और मिथिला के इस ऐतिहासिक परिवेक्षों से, ऐतिहासिक प्रकरणों से, न सिर्फ पूरे मिथिला, न सिर्फ पूरा बिहार, बल्कि पूरे देश के जो प्रबुद्ध कहने वाला जानने वाला समाज है, जो अपने को आज बहुत उन्नतशील कह रहा है, वह आज भी उनसे प्रेरणा ले सकता है। तो ये है मिथिला की गौरवशाली परंपरा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदर। मिथिला की दार्शनिक परंपरा में महिलाओं का क्या अवदान रहा है, खास करके मैत्रेयी, गार्गी और भारती के संदर्भ में,
आपने इसका विशद विवेचन किया है, इसके लिए पुनः आपको एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं